गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही चैनल सीनू इंजीनियर चैनल में। तो गाइस आज एक और टॉपिक के साथ हम आज यू ने जो माइक्रोवेव ओवन पे हम बात करने वाले हैं, जो 30 लीटर का ओलेडा हमारी कंपनी का माइक्रोवेव होने वाला है। और उसके बाद क्या है कि हम जानेंगे उस माइक्रोवेव में कि ट्रांसफॉर्म खराब होने के बाद हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसे कैसे तरीके से टेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी माइक्रोवेव को ओवन को आप सर्च कर रहे हो, आप ठीक रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका करंट चेक कीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग सकता है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है और ये आप देख सकते हो, हमने इसमें टाइम दे दिया है, हमने इसको ऑन कर दिया। तो आप सबसे पहले देख दो, यहाँ स्पार्किंग होने लगी है, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है और इसमें यहाँ पे करंट फ्लो भी हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये करंट इसकी बॉडी से हम जैसे टच करते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। तो बहुत सावधानी, बहुत केयरफुली काम करना है। ये वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ।